तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इस्लाम के अंदर जो है सबसे पहले जो है हम लोग इस्लाम के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं या जनरल लॉ है उसके अंदर सेपरेटली अलग से कोई ह्यूमन बीइंग्स के इंसान के जो है वो राइट्स बिल्कुल अलग से नहीं बताए गए, बल्कि इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं या कुरान पाक के उसी के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स तमाम मौजूद है। उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था तो सबसे पहला और बेसिक फंडामेंटल जो राइट इस्लाम ने बताया वो है राइट टू लिव, राइट टू लाइफ है। इसके लिए जो है कुरान पाक के अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी की जिंदगी खत्म करेगा या किसी को कत्ल करेगा तो उसने तकरीबन एक इंसान को मारा तो पूरी इंसानियत का कत्ल के बराबर होता है उसकी। और उसके बाद जो है हमारे पास था राइट टू सेफ्टी ऑफ द लाइफ, और उसके अंदर जो है वो उसमें भी हमने कुरानिक वर्सेस के हवाले से पढ़ा था कि कुरान पाक के अंदर ये लिखा है कि हर शख्स को जिंदा रहने का हक है, चाहे वो मुसलमान है या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो उसकी जिंदगी को महफूज रखना, उसकी जिंदगी की हिफाजत करना जो है वो हर मुसलमान का ये काम है कि उसकी लाइफ को किसी किस्म का जो है नुकसान ना पहुंचे। और उसके बाद था हमारे पास लाइफ टू बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, उसके अंदर भी हमने कुरानिक वर्सेस के हवाले से पढ़ा कि जनाब इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई शख्स बहुत वेल्दी है तो उसका काम है कि वो अपनी वेल्थ को जो है वो शेयर करे बाय वे ऑफ ज़कात, बाय वे ऑफ सदका, और उन लोगों की मदद करे जो लोग जो है बिल्कुल ही गरीब हैं और उनको नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करे, और ताकि वो भी अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को अच्छा बना सके। उसके बाद हमारे पास इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कुरान पाक के हवाले से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस थी जिस पढ़ी थी हमने, उसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया कि किसी को भी ये राइट नहीं है कि किसी आजाद इंसान को एक स्लेव बनाकर उसको सेल करे, और जो शख्स ऐसा करेगा उसके खिलाफ रसूल पाक ने कहा कि मैं खुद एक कयामत के दिन जो है फरियाद लेकर और उसके खिलाफ जो है वो अल्लाह के आगे उसका मुकदमा उसके खिलाफ लड़ूंगा। और उसके अलावा जो है हमने अच्छा मैंने इसके अंदर वो स्लाइड एंटर नहीं की है, लेकिन हमारे पास जो है वो क्लियरली राइट टू एजुकेशन भी कुरान पाक के अंदर जो है वो मेंशन है कि हर मुसलमान या हर इंसान को चाहिए को इल्म हासिल करे, गौर करे, फिक्र करे, और इल्म हासिल करने के बारे में क्लियरली हमारे पास इंडिकेशंस मौजूद हैं कि हर मुस्लिम को उसके साथ साथ जो, क्योंकि जाहिर इस्लामिक लॉ जो है वो अप्लाई मुस्लिम से होता है तो ईमान वालों को भी कहा गया है, और साथ के साथ इंसानों को तमाम को मुखातिब करके अल्लाह ताला फरमाता है कि इल्म हासिल करें आप, तो राइट टू एजुकेशन को भी एड्रेस किया है इस्लाम में। अब राइट टू कॉपरेट एंड नॉट कॉपरेट, नॉट टू कॉपरेट, कॉपरेट का मतलब है हेल्पिंग ईच अदर्स और नॉट टू कॉपरेट मीन्स नॉट हेल्पिंग एनीवन। ठीक है, कॉपरेट विद वन एंड अदर फॉर द वर्चू एंड heedfulness and do not cooperate with another for the purpose of vice and aggression. Vice कहते हैं किस चीज को, किसी भी किस्म के जो है फसाद फैलाने को या किसी किस्म का जुर्म जुर्म करने को। यानी इसमें है कि इस्लाम ने कहा कि आप एक दूसरे की अच्छे कामों में मदद करें, cooperate with one another for virtue and heedfulness, यानी कि अच्छे कामों में नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करें, do not cooperate with one another फॉर पर्पस ऑफ वाइस एंड एग्रेशन, यानी गुनाहगर गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करें और उसके साथ फसाद फैलाने में या झगड़ा करने में एक दूसरे की मदद ना करें। दिस मीन दैट मैन हु अंडरटेक्स अ नोबल एंड द राइटियस वर्क इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही इज लिविंग एट द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल हैज द राइट टू एक्सपेक्ट सपोर्ट एंड एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम द मुस्लिम्स। ऑन द कंट्ररी He who perpetrates deeds of the vice and aggression, even if he is our closest relation or neighbor, does not have the right to win or support and help in the name of the race, country, language, or nationality, or not should he have the expectation that the Muslim will cooperate with him or support him. यहाँ पर जो है बिल्कुल एक बात क्लियर हो जाती है। Anyone who is going to done good deeds, even he is Muslim, non-Muslim, anyone, he has right to be cooperated with him or her, anyone, कोई भी शख्स है जो अच्छे काम कर रहा है उसका ये हक बनता है कि तमाम मुसलमान उसकी मदद करें।
और अगर कोई शख्स इवन मुस्लिम है, इवन रिलेशन में है हमारे साथ, हमारा रिश्तेदार है, करीबी इवन जात है उसकी हमारे साथ सेम, ऑन द नेम ऑफ कंट्री, रेस, नेशनैलिटी, ही कुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ, ही शुड नॉट हैव द एक्सपेक्टेशन दैट वी विल हेल्प देम। मींस अच्छे कामों में मदद करनी है और बुरे कामों में मदद नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी हो। अब आ जाती है बात इक्वेलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स की। तो ये तो आप लोग सब भी तकरीबन जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा है, अपने आखिरी खुतबे में भी कहा और इवन कई मौकों के ऊपर रसूल पाक ने फरमाया, ओ मैनकाइंड वी हैव क्रिएटेड यू। ये तो देखिए कुरान कुरानिक वर्सेस का जो है ये हवाला है, ओ मैनकाइंड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड फीमेल, इन अदर वर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ब्रदर टू वन एंड अदर, दे ऑल आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम वन फादर एंड वन मदर। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास जो इस्लामिक जो एक कॉन्सेप्ट है कि तमाम इंसानियत जो है उसका वजूद हजरत बीबी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ। तो यूं अगर देखा जाए तो क्रिएशन जो है ह्यूमन की वो बिल्कुल जो है वो उस इक्वालिटी की बुनियाद पे, जब माँ और बाप दोनों एक हैं तमाम भी जो है वो इंसान है, तमाम बराबर हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं। अच्छा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, surely God does not look at your faces or your bodies, but look at your hearts and your deeds. यानी अल्लाह सुबहान ताला आपके जो चेहरों को नहीं देखेंगे कयामत वाले दिन, वो आपके चेहरों को नहीं देखेंगे, ना ही वो आपके जिस्म को देखेंगे, ना ही आपकी खूबसूरती को देखेंगे। अल्लाह ताला देखेंगे आपके दिल को और आप कामों को, यानी आप कितने अंदर से जो है वो अपने अंदर जो है वो खूबसूरती रखते हैं, यानी आपके अंदर ईमान कितना है, आप लोगों के लिए अच्छे ख्याल कितने रखते हैं, और दूसरा आपके काम कितने अच्छे हैं, ठीक है ना। और आखिरी खुतबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कहा किसी काले को किसी गोरे के ऊपर कोई फौकियत नहीं है। अगर किसी शख्स की अहमियत है तो वो इस बात से उसकी अहमियत है कि उसने कितने अच्छे काम किए, ठीक है ना। तो इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है उसको इस्लाम ने बहुत अहमियत दी है और कई मौकों के ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रिंसिपल को वाज़े किया है, अपनी खुतबे के अंदर भी कहा है और कई बार जो है इसकी जो है वजाहत की है। When principles of human rights enshrined in the Islamic scriptures are seen in the present day context, it is difficult to believe that even seemingly trivial issues such as payment of wages to labor, poking fun at others, calling someone by nicknames, not spying on others, and not entering someone else's house without permission have been taken care of. This is a valid the divinity of the scriptures. अब आप देखें कि अभी भी जितना डेप्थ के अंदर इस्लाम ने हर एक बात को वाज़े किया है, इस्लामिक जो स्क्रिप्चर है यानी इस्लाम का जो एक खाका है उसके अंदर सब चीजें शामिल हैं, उसमें देखिए क्या क्या चीजें आ गई कि सबसे पहले ये है कि आप जो है एक दूसरे के मसाइल में टांग ना अड़ाएं, यानी डोंट टेक एनी अननेसेसरी इंटरेस्ट इन ईच अदर्स प्रॉब्लम्स सच एज पेमेंट ऑफ वेजेस। एक पेमेंट ऑफ वेजेस की बात अगर की जाए तो रसूल पाक ने फरमाया कि पसीना खुश होने से पहले ही आपने मजदूरी मजदूर को देनी है, यानी किसी की मजदूरी खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वॉकिंग वन एट वन एंड अदर्स, तो इसके बारे में रसूल पाक की क्लियर हदीस मौजूद है, कुरान पाक में सूरह हुजरात है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो, एक दूसरे के ऊपर जो है ठट्ठा नहीं करो आप, यानी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाओ। कॉलिंग समवन बाय निकनेम्स, तो ये जो है कि किसी को भी किसी उल्टे सीधे नामों से पुकारने से मना किया। नॉट स्पाइंग, एक दूसरे की आपने जासूसी नहीं करनी है, और किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होना है, विदाउट परमिशन हैविंग टेक केयर ऑफ, और इन तमाम बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। इस्लाम हैज क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली डिनाउंस किलिंग ऑफ इनोसेंट्स एंड से that saving one's life is like is saving the mankind, yani iska matlab ye hai ki jab aap kisi ek insaan ki jaan bacha rahe hain to matlab aap puri insaniyat ki jaan bacha rahe hain, aisa nahi hai ki agar aap ek insaan ki jaan bacha rahe hain
तो आप एक इंसान को जानना चाह रहे हैं। नहीं, इस्लाम में इस बात को इतनी अहमियत हासिल है कि अगर आप किसी एक इंसान की जान बचाते हैं, मतलब पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं। अच्छा, ये हमारा ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो इस टॉपिक से कर लें जी। एनीवन, अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ। जी जी पूछिए, किसी को कुछ पूछना है क्या? आप लोग सुन तो रहे ना, ऐसा तो नहीं सारे सो गए हो? जी मैम, सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा चले, शुक्र है। मुझे लगा सारे बच्चे कहीं गायब हो गए, पता नहीं क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो फिर ऐसा करते हैं कि हम अटेंडेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है?